बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। मेरे रहते मेरी गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। अब देखता हूँ तुम सब की माया को। आंखें मूंदे करते ध्यान, मारुति ने किया सत्य संधान, असुरों की हो गई पहचान, उन्हें पराजित करते हनुमान। मेरी ध्यान शक्ति के समक्ष तुम्हारी माया धरी रह जाएगी। संभालो मेरा प्रहार। इस वरुण सेना का अर्थ मैं भली भांति समझ रहा हूं वरुण देव, यह आपको शोभा नहीं देता। मेरे रथ के बिना सृष्टि का काल चक्र बाधित हो जाएगा। दिन ना निकलने से प्रकृति असंतुलित हो उठेगी, हाहाकार मच जाएगा संसार में। इतना भी नहीं सोचा आपने? जब मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में किसी ने नहीं सोचा तो मैं क्यों किसी के लिए सोचूं? देव मर्यादा को लांघकर आप आसुरी व्यवहार कर रहे हैं। मुझे आभास है कि इस कार्य में आपने आसुरी शक्ति की सहायता ली है। अपने कार्य साधने के लिए किसी की भी सहायता लेना अनुचित नहीं है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं कीजिए। ये अमर्यादित व्यवहार, अधर्मी असुरों से सहायता, रथ को चुराकर सृष्टि कार्य में व्यवधान, ये हो क्या गया है आपको वरुण देव? सीमाएं तभी टूटती हैं सूर्यदेव जब अतिरेक हो। फिर अतिरेक चाहे वो जल का हो, वायु का, या व्यवहार का। आपके व्यवहार से देव पुत्रों को ही नहीं, देवताओं को भी हीनता का आभास हो रहा है। मेरे रथ के साथ मेरे अश्व नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ हैं मेरे अश्व? आपके अश्व कहाँ हैं? मुझे ज्ञात नहीं है। जिसने ये कार्य किया है अश्व उसी के पास होंगे, किंतु कौन है वो ये नहीं जान पाएंगे आप। वरुण देव, डोर उतनी ही खींचिए जितने में टूटे ना। विवश मत कीजिए मुझे कि मैं आपके विरुद्ध कुछ करूं। डोर तो आप तोड़ ही चुके हैं सूर्यदेव, अब ये नहीं जुड़ेगी। चूर चूर हो जाएगा सूर्यदेव, तब पीन कर दूंगा मैं आपको। वरुण देव हूं मैं। द्वेष उन्माद को जन्म देता है वरुण देव, जिसने आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। मत कीजिए ऐसा वरुण देव।
ये मति भ्रष्ट है या मति भ्रम। मेरे सहायक देव स्वयं मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। इससे पहले कि यह हमारा अंत करे, हमें यह से प्रस्थान कर जाना चाहिए। असुर करते माया विछल, हनुमत में है अतुलित बल। दैवी शक्तियों का संचार, असफल कर दिया असुर प्रहार। मारुति परम शक्ति स्वरूप है, रुद्रांश का ये बल रूप। अद्भुत जिनकी लीला महान, जय 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 संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरुणदेव, आपके जल प्राश का उत्तर मैं अपने दाह का अस्त्र से दे सकता हूँ, किंतु मैंने अपना विवेक नहीं खोया है। मुझे युद्ध के लिए विवश मत कीजिए। अपना जल प्राश वापस लीजिए। चेतावनी मत दीजिए सूर्यदेव, युद्ध कीजिए। हमारा युद्ध संसार के लिए अनर्थकारी होगा। आप देव धर्म भूलकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु मैं अपना धर्म नहीं भूला हूँ। संसार का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कोई आक्रमण नहीं करूंगा। आपकी जो इच्छा हो कीजिए। अभी भी समय है वरुण देव, मेरा रथ अश्व समेत लौटा दीजिए। मैं क्षमा कर दूंगा आपको। क्षमा कौन मांग रहा है आपसे? किंतु आप जो कर रहे हैं उससे संसार की बड़ी हानि होगी। संसार कभी क्षमा नहीं करेगा आपको। मुझे न संसार से न आपसे क्षमा चाहिए। आपको संसार की चिंता है ना? अब देखिए मैं संसार की क्या दशा करता हूँ सूर्यदेव। संसार से समस्त जल तत्व खींचकर संसार को और आपको कैसे शीतल करता हूँ मैं। संसार में जो भी जल तत्व है, हिम पर्वतों से लेकर समुद्र तक, पहले उनसे जल समाप्त होगा, फिर वृक्षों एवं वनस्पतियों से, फिर मनुष्य आदि प्राणी वर्ग से, बचेंगे तो मात्र वो असुर और राक्षस जो मेरा साथ दे रहे हैं। Thank you.
वरुणदेव, संसार पहले ही प्रकाश ना होने के कारण संकट में है। अब वरुणदेव जल तत्व भी समाप्त करना चाहते हैं। रुक जाइए वरुणदेव, अनुचित है। संसार के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जल, प्रकाश, वायु निस्वार्थ भाव से संसार को प्रदान करना, ये हम देवों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा धर्म है ये। धर्म और कर्तव्य निर्बलों के साधन है सूर्यदेव। आप संसार की चिंता छोड़िए, पहले स्वयं की रक्षा कीजिए सूर्यदेव। वरुण देव को हानि पहुंचाने से भी संसार को क्षति ही होगी। संसार की सुरक्षा के लिए मुझे स्वयं ही पीछे हटना होगा। के हित में सूर्यदेव तो अपना ताप कम कर रहे हैं। किंतु वरुण देव ने उन्हें जल प्राश के प्रभाव से शीतल कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। बेकार है। एक वानर, एक वानर बालक से परास्त होकर आ गए। कैसे वीर हो तुम दोनों वानर? वानर बालक, अब तो तुझे पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। अपनी गुरु माता को तो तूने बचा लिया, परंतु तेरी माँ, अपनी माँ को कैसे बचाएगा तू? पातालिका, बलि की विधि आरंभ होने के पूर्व ही तुमेरु जाकर वहां के सारे बालक और उस वानर बालक की माँ को उठवा कर यहाँ लाओगे। सूर्य के अश्वों की बलि के पश्चात उन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। सारे बालक समाप्त हो जाएंगे, ना रहेगा नर रूपी नारायण और ना रहेगी उस वानर बालक की माँ। पातालिका को कार्य सौंपने का अर्थ ही है कार्य का अवश्य संपन्न होना। भैया, पातालिका स्वयं जाएगी, आप निश्चिंत रहें। परंतु एक बात का स्मरण रहे, यदि इस कार्य में अपने पुत्रों के समान तुम भी असफल रहे तो महादेव की सहन। अशोक के साथ तुम्हारे कायर पुत्रों की भी बलि चढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा भैया। जय लंकेश।
नाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका भय था वही हो रहा है। अब तो इस संकट को संकट मोचन हनुमान ही दूर कर पाएंगे। हनुमान, सब सत्य ही कहते हैं, तुम संकट मोचन हो, सबके संकट हर लेते हो। गुरु माता, सारे राक्षस तो भाग गए, किंतु आप अभी भी भयभीत हो रहे हैं। हनुमान, ये भय नहीं चिंता है। मुझे आभास हो रहा है जैसे तुम्हारे गुरुदेव भी संकट में हैं। प्रणाम देवर्षि। आप सत्य कह रही हैं देवी संज्ञा, सूर्यदेव संकट में हैं। उनका अश्वविहीन रथ वरुण लोक में पाया गया है। जलप्राश के प्रभाव से सूर्यदेव के अस्तित्व पर संकट है। हनुमान, नारायण नारायण। मेरे रहते गुरुदेव पर कोई संकट नहीं आ सकता। कहीं असुर पुनः यहाँ आक्रमण न कर दे। पुत्र, तुम्हारे गुरुदेव सूर्यदेव सुरक्षित होंगे तभी तो ये सृष्टि और सूर्यलोक सुरक्षित रहेगा। हनुमान, अब सूर्यदेव और इस संसार को संकट से तुम ही उबार सकते हो। ऐसा ही होगा गुरु माता, आज्ञा दे। प्रणाम। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, विजय भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव का संकट करो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। सूर्य प्रकाश में जीवन सत्व है, हनुमत को ज्ञात महत्व। हनुमत अब करते ग्लानि, क्षणिक भ्रम से हो गई हानि। सूर्य दर्शन से होगा वंचित, पृथ्वी पर जीवन है तुचिंतित। संकट का मिले निदान, विचार मग्न हुए हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अच्छा, तो ये है वरुण लोक। आदेश अनुसार वरुण लोक में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। उचित होगा तुम लौट जाओ। मैं यहाँ लौटने नहीं, गुरुदेव सूर्यदेव को रक्षित करने आया हूँ। हमारा सामना नहीं कर पाओगे वानर बालक, लौट जाओ। आप
आपने यहाँ आकर बड़ी भूल की है सूर्यदेव। अब तो आप यहाँ से लौट कर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, गुरुदेव सूर्यदेव के पास पहुँचने का ये एक ही उपाय है, आपसे युद्ध करना, तो मुझे स्वीकार है।